Good afternoon टीचर्स, माई नेम इज आशीष एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहम्मदपुर झारसा गुड़गांव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कोरोना का माहौल चल रहा है और कोरोना की वजह से जो है सभी देश प्रभावित हैं। सभी देशों की सरकारें जो कोरोना से बचने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है कोरोना से बचने के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। जैसे कि अगर वो अपनी इम्यूनिटी पावर को बनाए रखे, इम्यूनिटी पावर यानी अगर वो खाने पीने पर ध्यान दें तो उसकी इम्यूनिटी पावर सही हो सकती है, जिससे क्या होगा कि कोरोना जो है उनके शरीर पर प्रभावित नहीं होगा। लेकिन हर एक व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। और कोरोना से बचने के लिए दूसरा ये कि अगर हम लोग दूसरों से उचित दूरी बना के रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति जो है कोरोना से ग्रसित है कि नहीं है। और एक ये जो कोरोना बीमारी है ये क्या है, संपर्क से फैलने वाली बीमारी है। तो अगर हमें कोरोना से बचना है तो दूसरों से दूरी बना के रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि मेरी और मेरी टीम ने मिलकर एक मॉडल बनाया है जो क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर कोई भी व्यक्ति उसे पहन कर रखता है तो क्या होगा, अगर कोई भी व्यक्ति उसके आसपास आने की कोशिश करता है तो वजने लगता है, और इससे क्या होगा कि वो हमें रिमाइंड कराता है कि आप उनसे दूर रहिए। और वैसे भी कोई भी व्यक्ति जो है मजाक में ही एक दूसरे के पास पहुँच जाता है, तो इसीलिए हमारा जो मॉडल है ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये जो हमारा मॉडल है ये स्पेशली जो है अंधे लोगों के लिए बनाया गया है, कि क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग तो देख सकते हैं, हम लोग देख के लोगों से उचित दूरी बना के रख सकते हैं, लेकिन जो अंधे व्यक्ति हैं वो किसी व्यक्ति से कैसे उचित दूरी बना के रखें। इसके लिए ये हमारा मॉडल जो है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर वो उन्हें पहन लेंगे तो अगर कोई भी व्यक्ति उनके आसपास आएगा या फिर वो किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो वजने लगेगा, और अंधा व्यक्ति जो होगा उनको वो संकेत देगा कि आप किसी व्यक्ति के आसपास हैं, जिससे जो अंधा व्यक्ति है उससे दूर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनेगी। दूसरा ये कि हम देखते हैं कि अधिकतर जो है अंधे व्यक्ति रास्ते पे चलते चलते किसी खंभे से दीवार से टकराते रहते हैं और उन्हें चोटें लगती रहती हैं। तो अगर अंधा व्यक्ति उसे पहन के चले तो क्या होगा कि अगर उनके सामने दीवार आ रहा है या फिर खंभा आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो वो बजने लगेगा और अंधे व्यक्ति को संकेत मिलेगा कि मेरे सामने कोई वस्तु है या फिर दीवार है, जिससे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा और वो चोट से भी बच सकता है। तो हमारा जो ये मॉडल है अंधे व्यक्ति के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिससे एक अंधा व्यक्ति जो है आसानी से अपने घर से बाहर निकल के कहीं थोड़ा बहुत घूम फिर सकता है। क्योंकि हम लोग अधिकतर देखते हैं कि अंधे व्यक्ति को घर से अगर बाहर निकलना है तो उसे किसी ना किसी व्यक्ति के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो उनके साथ जाए और बाहर घूम घूम जाए, तो चलने के लिए भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो हमारा मॉडल है ये अंधे व्यक्ति को एक इंडिपेंडेंट बनाएगा, जिससे क्या होगा कि एक व्यक्ति भी आसानी से बाहर निकल सकता है और कुछ दूरी चल के आ भी सकता है वापिस, और इससे क्या होगा हम वो उसे चोट से भी बच सकता है। तो हमने जो ये मॉडल है स्पेशली अंधे व्यक्ति के लिए बनाया है, और इस मॉडल को बनाने के, और ये जो हमारा मॉडल एक बहुत ही छोटा डिवाइस है, इसमें जो हमने क्या क्या यूज़ किया है, एक ऑडिनो यूज़ किया है, एक सेंसर यूज़ किया है, एक बजर यूज़ किया है, फिर इसको जम्फर वायर से जोड़ दिया है और इसको एक बैटरी से जोड़ा है। तो ये हमारा जो एक डिवाइस है ये एक बहुत ही छोटा डिवाइस है और इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। अगर इसको कोई भी व्यक्ति जो है आसानी से बेल्ट में पहन के, यहाँ से बेल्ट में लगा कर पहन सकता है और इसको यूज़ कर सकता है। और ये जो है देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति इसके सामने आएगा तो ये बजने लगेगा। जैसे ये दीवार है, इसे देखिए इतनी दूरी तक ये बजता है। इतनी दूरी जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इतना दूरी तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत है। और अगर अंधा व्यक्ति इसे पहन के चलता है, और ये जो है चार्जेबल है, इसे आसानी से आप चार्ज कर सकते हैं लगाकर, इसे बेल्ट में यहाँ से लगाकर पहन सकते हैं। जैसे ये कोई भी व्यक्ति इसे यहाँ पे लगाकर चलता है, अगर इसके सामने कोई भी चीज़ आती है तो ये बजने लगता है, जिससे उन्हें संकेत मिलता है कि आप इनसे दूर रहिए। तो आइए इसका वर्किंग देखते हैं। Oh,